علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تقضوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا ووضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان صلصالا كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار ब्रांड को मेरा बहुत बहुत दिल से मेरी दुआ है इनके लिए बिकॉज ऑब्वियसली मॉडर्स्ट वेयर इज़ समथिंग दैट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगर वो मॉडर्स्ट वेयर हमें एक जगह पे अगर जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ पे काफ़ी कुछ कलेक्शंस है बहुत सारे कलर्स है तो आई थिंक बहुत इजी स्टॉप हो जाता है किसी के लिए हर किस्म का अबाया खरीदना एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट एंड ऑब्वियसली हैदराबाद में तो सबको खाने का और पहनने का बहुत शौक है ही जो मैंने देखा है सो कुछ नया आना यू नो हमारे बहनों के लिए बहुत अच्छी बात है एंड ऑब्वियसली हैदराबाद हैज़ ऑलवेज बीन वेरी वॉर्म एंड वेरी नाइस टूवर्ड्स मी एंड टू पीपल तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं बहुत बार आ चुकी हूँ हैदराबाद पहले बट यू नो मैंने हमेशा ये देखा है कि लोग बहुत खुश मिजाज होते हैं यहाँ पे और काफ़ी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे तो मुझे इतने आई थिंक मुझे 2.5-3 साल हो गए यहाँ पे आके अब मैं बहुत लंबे अरसे के बाद आई हूँ और मुझे वही वाइब मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके एंड ऑब्वियसली मैं सबको दिल से दुआएं दूंगी कि जो इन्होंने ये नया काम शुरू किया अल्लाह उसमें खूब बरकत दे एक्चुअली मैंने अभी सिर्फ ऊपर से देखा है ऑब्वियसली अभी मैं देखूंगी पूरा जैसे थोड़ी जगह मिलेगी बट ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है जो मैं देख रही हूँ बिकॉज कपड़े तो ऊपर से ही समझ में आ जाते हैं जब आप देखते हो तो कि यू नो आज कैसे कपड़े हैं और ट्रेंडिंग में क्या है ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि वो अबाया पहने एंड एट द सेम टाइम जो ट्रेंडिंग हो जो नए कलेक्शन हो हर लड़की चाहती है कि उसे मिले बिकॉज ये रोज़मर्रा का ड्रेस है अभी हमारा तो जाहिर सी बात है काफ़ी ह्यूज कलेक्शन दिख रहा है तो आई एम श्योर मैं इसे देखूँगी अभी
अभी यहाँ पे आप आए हैं तो हैदराबाद की आवाम के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आवाम के लिए मैं क्या मैसेज दूँ, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ पे लोग बहुत बहुत वार्म है और बहुत मेहमान नवाजी में, इनका नाम ही मेहमान नवाजी में, मतलब आप खाना खा के ऑनेस्टली थक जाते हो बट उनकी डिशेस कम नहीं होती है, मतलब ऐसा रहता है बस करो आप तो ऑब्वियसली जब भी आप किसी को भी देखो यहाँ पे, आई थिंक एक चीज़ है कि उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होती है एंड आई थिंक वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वही एनर्जी और वाइब होता है एंड हर लोगों के अंदर बहुत बॉन्डिंग है जैसे फैमिली, और यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी फैमिली ज़्यादातर मैंने हैदराबाद में देखी है जहाँ पे बहुत यू नो जॉइंट फैमिलीज़ है और एक फैमिली में बहुत मेंबर्स है आई थिंक, तो उस हिसाब से यू नो वाइब बहुत अच्छा है तो मुझे तो हमेशा ही हैदराबाद आके अच्छा लगता है एंड यहाँ के लोगों से मिल के अच्छा लगता है। हिजाब के बारे में क्या कहेंगे? ऑफकोर्स हिजाब के बारे में आई हैव स्टार्टेड वेयरिंग हिजाब फ्रॉम लास्ट वन ईयर, सो ऑब्वियसली मेरे लिए हिजाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो जाहिर सी बात मैं यही कहूँगी कि आपके पास यहाँ पे कलेक्शन है सो जो भी हैदराबाद में है प्लीज़ कम टू सहाने एंड ऑब्वियसली आप देखें एंड आई एम श्योर आपको आपकी पसंद का कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।